गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिव हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो आपका पहले के वीडियो में फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमने पूरी देखी, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑल स्ट्रीम एफसी हिंदी का, तो जो तीसरी यूनिट है आपकी उससे संबंधित एमसीक्यू हम देखेंगे। तो आपकी तीसरी यूनिट जो है वो क्या है, मुहावरे, ग्रामर पोर्शन है आपका। तो हम उसमें जो है एमसीक्यू में मुहावरे देखेंगे आज। तो सबसे पहला है आपका अंग अंग ढीला होना, तो इसका आंसर आएगा बहुत थक जाना। दूसरा है अंगूठा दिखाना, तो इसका आंसर होगा मना करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर जो है खतरे का कार्य करना। उसके बाद है अंगारे उगलना मतलब क्रोध में कठोर वचन कहना। अंधे की लकड़ी मतलब जो है बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। अंधेरे का दीपक इकलौता पुत्र। अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अंतरपट खुलना मतलब ज्ञापन प्राप्त करना। पैर फैलाकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे दोनों दिए गए हैं, तो इसका क्या अर्थ है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए, मामूली व्यर्थ समय नष्ट करना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना। और छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना। बछिया का ताऊ इसका मतलब है साहसी भीरू, तो इसका सही आंसर आएगा भीरू। इसके बाद अंगारों पर लौटना, तो अंगारों पर लौटना का अर्थ है दुख सहना। बात का धनी मतलब वादे का पक्का। अपना सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। आंधी के आम मतलब सस्ती वस्तु। आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को और भड़काना। आटे दाल के भाव मालूम होना मतलब वास्तविकता का पता चलना। आधा तीतर आधा बटेर होना मतलब रंग बिरंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा इसका मतलब होता है नष्ट कर देना। उल्टी गंगा बहाना मतलब रीति विरुद्ध कार्य करना या बात करना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता अनुसार जो चीज़ कम होती है उसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत थोड़ा। घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना। मेंढकी को जुकाम होना मतलब अनहोनी होना। रोटियां तोड़ना मतलब बिना परिश्रम किए पड़े पड़े खाना। सिट्टी पिट्टी गुम होना मतलब भय से होश उड़ जाना। चलता पुर्जा होना मतलब चालाकी से काम लेना। कांट की हांडी मतलब अस्थाई चीज़। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। टकासा जवाब देना मतलब निरुत्तर कर देना। एक अनार सौ बीमार मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। उसके बाद है उल्लू सीधा करना, तो इसका मतलब है अपना काम निकालना। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना। आंखें चार होना मतलब आँखों से बातें करना। प्रेम होना मतलब मतलब होता है भेद न लगने देना। प्रेम होना मतलब होता है आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। और पेट में दाढ़ी होना मतलब भेद ना लगने देना। माथा ठनकना मतलब अनिष्ट की आशंका होना। हथेली पर राई नहीं उगती मतलब हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबसे समान व्यवहार करना। होंठ चबाना मतलब क्रोध प्रकट करना। कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना। काजल की कोठरी मतलब कलंक लगने का स्थान। काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख। काठ होना मतलब निश्चेष्ट होना। कान भरना मतलब किसी के विरुद्ध कोई बात कहना। कीचड़ उछालना मतलब निंदा करना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। दिल पक जाना मतलब प्रेम ना होना। कष्ट पहुंचना अत्यंत पीड़ित होना, तो इसका क्या आएगा, कष्ट पहुंचना। दिल पक जाना मतलब कष्ट पहुंचना। 9-2-11 होना मतलब रफू चक्कर हो जाना या भाग जाना, दोनों आ सकते हैं। इसके बाद
ढपोर शंख मतलब क्या होता है? ढपोर शंख मतलब मूर्ख। जौहर खुलना मतलब भेद का पता चलना। डोरे पर लगना मतलब सीधी राह पर चलना। तबेले की बला बंदर के सिर मतलब एक दूसरे से लड़वाना। किसी का अपराध जो दूसरे के सर पर दे दिया मतलब तो क्या हो गया? तबेले की बला बंदर के सिर मतलब लड़ाई खुद की हुई है लेकिन खुद ने अपराध किया लेकिन दूसरे के ऊपर उसको डाल देना। तो किसी का अपराध दूसरे के सिर मरना मतलब अपना दोस्त जो है वो दूसरे के सिर मरना को क्या बोलेंगे? किसी का जो तबेले की बला बंदर के सिर मतलब किसी का अपराध दूसरे के सिर मरना। ठीक है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है मतलब अपनी बनाई वस्तु जो है वो सबको अच्छी लगती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मतलब क्या होता है इसका? इसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। ठीकरा फोड़ना मतलब किसी के सिर झूठा दोष लगाना। कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब बुरे काम से बुराई मिलना। केर बेर का संग होना मतलब विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। इसके बाद है गंगा नहाना मतलब सदाचार का प्रदर्शन करना। गच्चा खा जाना मतलब किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना। गागर में सागर भरना बहुत बोलना। थोड़े में जो है बहुत बोलना, दोहों की रचना करना या थोड़े में बहुत कहना, तो इसमें आएगा थोड़े में बहुत कहना। इसके लिए कहा जाता है बिहारी को कि उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अपना मत प्रवृत्ति व्यवहार बदलते रहना। गुड़ गोबर कर देना बना बनाया काम बिगाड़ देना। गूलर का फूल होना मतलब स्पष्ट दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना मतलब तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। घी खिचड़ी होना मतलब खूब घुलना मिलना और घनिष्ठता। चांद पर थूकना मतलब अच्छे व्यक्ति पर कलंक लगाना। अंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख। आँख एक नहीं कजरोटा दस दस इसका मतलब होता है व्यर्थ आडंबर। ठोक बजाकर का मतलब होता है जांचकर। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है आश्चर्य होना। आड़े हाथों लेना मतलब खरी खोटी सुनाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब बहुत कंजूस। सब्ज बाग दिखाना मतलब सब्जी का बगीचा दिखाना। झूठी आशा देना तो और झूठ बोलना तो इस असमंजस की स्थिति होना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होगा? झूठी आशा देना। सन्नाटे में लाना मतलब क्या होता है? अवाक रह जाना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब किसी को निकट ना आने देना। नाक का बाल होना मतलब अनुचित प्रिय होना। अगला है समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब इसका मतलब होता है दोनों और समस्या होना। फूल सूंघ कर रहना मतलब बहुत कम खाना। चांदी का जूता मतलब रिश्वत का धन। चादर से बाहर पैर पसारना या पांव पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना। छक्के छुड़ाना मतलब हराना। छांह तक न छूने देना मतलब अधिक परिश्रम करना। बहुत तेज दौड़ना या तेजी से प्रगति करना तो इसका क्या आएगा कि पास तक ना आने देना। छांह तक ना छूने देना मतलब पास तक ना आने देना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर बहुत दुख देना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना। जमीन पर पैर ना पड़ना मतलब अभिमानी होना। जलीकट्टी सुनाना मतलब बुरा भला कहना। पापड़ बेलना मतलब दुख के दिन काटना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। दाल भात में मूसल चंद मतलब बेकार हस्तक्षेप करना। सब धान बासई पसेरी सभी को एक समान समझना, सम्मान ना देना, अलग अलग समझना या सम्मान देना तो इसका आएगा सभी को एक समान समझना। अग्नि परीक्षा देना तो इसका आंसर आएगा अग्नि परीक्षा देने का कठोर परिश्रम करना या देना। अब आपका इसमें यूनिट थर्ड में अगला टॉपिक जो है वो है समास। तो समास से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे हम। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? हाथों हाथ, पर्वतारोही, राजाध्यक्ष और सौभाग्य। तो सौभाग्य में कोई भी समास नहीं है। किसमें सही सामासिक पद है? तो इसमें दिवा रात्रि में सही सामासिक पद है।
इसके बाद है तुलसीकृत में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास है, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। रेलगाड़ी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। आजन्म शब्द का समास बताइए, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है, तो ये पंचानन जो है वो संधि भी है और समास भी है। इसमें से द्विगु समास का उदाहरण है चौराहा। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाचक होता है। सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है, जो सप्त सिंधु का सही समास द्विगु समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। लोक सेव्य में तत्पुरुष समास है। महापुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। गुणहीन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। आकंठ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। किस समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास। जब प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है तब कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है। अगला है आपका नीचे दिए गए सामासिक पदों में से नत्र शब्द समास का उदाहरण है अनिष्ट। प्रतिदिन में कौन सा समास है, इसमें प्रतिदिन में जो है वो अव्ययी भाव समास है। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में कर्मधारय समास है। एक दंत में कौन सा समास है, एक दंत में बहुव्रीही समास है। दिन रात में जो है द्वंद्व समास है। सम्मुख में कौन सा समास है, बहुव्रीही समास है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कल मुहा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अंतर्व्यथा में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आंखों देखी में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो इसमें करण तत्पुरुष समास है। गतांक में कौन सा समास है, कर्मधारय है। मंद बुद्धि में तत्पुरुष समास है। रस शक्ति में कौन सा समास है, रस शक्ति में करण तत्पुरुष समास है। खड़ी बोली में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। रेल भाड़ा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। धर्म विमुख में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। पदच्युत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। राजद्रोह में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष। चंद्रोदय में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष। जलधारा में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष। दुख सागर में कौन सा समास है, तत्पुरुष। सत्रावसान में कौन सा समास है, तत्पुरुष। अधर्म में कौन सा समास है, न तत्पुरुष। कवि पुंगम में कौन सा समास है, तत्पुरुष। जलज में कौन सा समास है, उपपद तत्पुरुष। जलद में कौन सा समास है, उपपद तत्पुरुष। मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। वनवास में तत्पुरुष समास है। अधपका में कौन सा समास है, कर्मधारय। यथा योग्य में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। नराधम में कौन सा समास है, कर्मधारय। यज्ञशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष। नीलोत्पल में कौन सा समास है, कर्मधारय। रामकृष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। सुभागमन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। सन्मार्ग में कौन सा समास है, कर्मधारय है। अठन्नी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। इकतारा में द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है। पंचपात्र में द्विगु समास है। त्रिशूल में द्विगु समास है। जितने भी संख्यावाचक आते हैं उनमें सब में द्विगु समास होता है। नवरात्रि में कौन सा समास है, द्विगु समास है। पंचांग में कौन सा समास है, द्विगु समास है। सप्तऋषु में कौन सा समास है, द्विगु समास है। आगा पीछा में कौन सा समास है, आगा पीछा में द्वंद्व समास है। दिन रात में द्वंद्व समास है। फूल फल में द्वंद समास है। दिगंबर में बहुव्रीही समास है। वीणा पानी में बहुव्रीही समास है। वज्रायुध में बहुव्रीही समास है। सिंह वाहिनी में बहुव्रीही समास है। आजीवन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। हंस वाहिनी में बहुव्रीही समास है। नील रत्न में कर्मधारय समास है। समास को तोड़ने से उसका क्या होता है, विग्रह होता है। संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण तथा एक पद विशेष्य होता है वह कहलाता है कर्मधारय समास। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जब दो पद और द्वारा जुड़े हो तथा पृथक करने पर अपना अपना अलग अस्तित्व रखते हैं तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास का भेद होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का कौन सा भेद होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है। जब दो पद समुच्चय में हो और पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं तब द्वंद्व समास का कौन सा भेद होता है, समाहार द्वंद्व होता है। जब दो पदों के बीच या अथवा या
या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव छिप जाते हैं वहां द्वंद्व समास का कौन सा भेद होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। मुखारविंद तथा अरविंद मुख में कौन सा समास में एक ही समास है? मुखारविंद तथा अरविंद मुख में समास है कर्म धारय। कारक चिन्ह को का लोप होने से बनने वाला समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। कारक चिन्ह से अथवा के द्वारा का लोप होने से बनने वाला समास है करण तत्पुरुष। कारक चिन्ह के लिए लोप होने से बचने वाला समास है संप्रदान तत्पुरुष। समास जो होता है वो पूरे कारक पर निर्भर होता है। अगर आपको कारक आते हैं तो तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से आ जाएगा। कारक चिन्ह से का लोप होने से बचने वाला समास है अपादान तत्पुरुष। कारक चिन्ह में अथवा पर का लोप होने से बचने वाला समास है अधिकरण तत्पुरुष। कारक चिन्ह का की के का लोप होने से बनने वाला समास है संबंध तत्पुरुष। जिस समास में पहले शब्द के पश्चात कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। संस्कृत में निषेध आदि के अर्थ में पूर्व पद न अथवा अन लगाने से न तत्पुरुष होता है। किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए तो वह कहलाता है लुप्त पद तत्पुरुष। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का प्रकार प्रकार है उपरोक्त सभी। इकरेतर द्वंद्व, विकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ये सभी द्वंद्व समास के प्रकार हैं। जिस समास में दो शब्दों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव का लोप होता है तो वहाँ विकल्प द्वंद्व होता है। जिस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते ही हैं साथ ही उनका अपना अपना अलग अस्तित्व भी होता है तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व होता है। हवन सामग्री में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला टॉपिक इसी से थर्ड यूनिट से संबंधित अगला टॉपिक जो है आपका वो पढ़ेंगे हम। संस्कृति का वह सबसे छोटा अंश जिसका कार्यात्मक आधार पर पुनर्विभाजन नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं संस्कृति तत्व। ये बीज शब्द से संबंधित है। सोरोकिन ने संस्कृति का कौन सा स्वरूप प्रतिपादित किया है? तो इन्होंने चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति सभी को प्रतिपादित किया है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। अभौतिक संस्कृति की विशेषता क्या है? स्पष्ट माप। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह किसका कथन है? तो यह है हर्स कोटविट्स का कथन है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह किसने कहा? विवेकानंद ने। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह सतत भी है, जीवन भर चलने वाली भी है और विकासात्मक भी है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है व्यवसायीकरण। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, स्वतंत्र होती है। ये सभी आएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं परिवार, राज्य, समुदाय, उपरोक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा का घटक है पत्राचार शिक्षा, मुक्ताधिगम, मुक्त शिक्षा, उपरोक्त सभी। सूचना समाज एक विकसित समाज है जो पूर्णतः क्या सूचना पर आधारित होती है। इसका आंसर आएगा सूचना समाज खालिस्तान के माध्यम से एक आभासी वर्चुअल संसार को जोड़ता है। इसका आंसर आएगा नेटवर्क। सूचना समाज से हमारे समाज की खालिस्तान के दृष्टिकोण डिजिटल माध्यमों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर आएगा तथा बा दोनों, मतलब जीवन शैली और संस्कृति दोनों। निम्नलिखित में से सूचना समाज का घटक है सूचना उत्पाद भी है, सूचना कार्य भी है, सूचना उद्योग भी है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। सूचना समाज का तात्पर्य ऐसी सूचना से है जो संचालक के रूप में सूचना प्रदान करती है। तो सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति, उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। सूचना समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 के दशक में खालिस्तान में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ तो जापान में हुआ था। सूचना समाज की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम किसने किया? फिट्स मैचल्प ने किया था। निक मूर ने अपनी पुस्तक द इंफॉर्मेशन सोसाइटी में सूचना समाज की उत्पत्ति एवं उसके विकास के कारणों को खालिस्तान के रूप में प्रस्तुत किया, तो दो अंतर संबंधों के रूप में प्रस्तुत किया था। टॉफलर ने अपनी पुस्तक द थर्ड वेब में समाज को खालिस्तान भागों में विभाजित किया, तो इन्होंने तीन भागों में विभाजित किया था। कृषि आधारित क्रांति के पश्चात उत्पन्न स्थिति से संबंधित प्रथम वेब थी। आज समाज का एक औद्योगिक समाज है।
आज का समाज एक औद्योगिक समाज है जो कि सामूहिकता पर आधारित है। यह किस वेब से संबंधित है? द्वितीय वेब से संबंधित है। व्यवसायिक क्रिया के खालिस्तान पक्ष को उद्योग कहते हैं। उत्पादन के सेवा उद्योग में सम्मिलित है, सभी चीज़ें सम्मिलित है, होटल उद्योग, पर्यटक उद्योग, मनोरंजन उद्योग और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उस विधि का प्रतीक है जिसे एक व्यक्ति परिवार और समाज के सदस्य होने के फलस्वरूप उत्तराधिकारी में प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आएगा संस्कृति। तो इसका आंसर संस्कृति आएगा। संस्कृति में खालिस्तान के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। रीति रिवाज, जीवन शैली, परंपरा, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी सभी आता है इसमें। संस्कृति ऐसे मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंधित है जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी। समाज वैज्ञानिकों में एक सर्व सामान्य सहमति है कि मनुष्यों द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके संस्कृति में समाहित है। इसका आंसर आएगा संस्कृति में समाहित। संस्कृति व्यक्ति के विचार करने एवं जीवन पद्धति में अंतस्थ प्रकृति की खालिस्तान है। तो अभिव्यक्ति है, संस्कृति का प्रकार है भौतिक और अभौतिक। तो इसका आंसर आएगा स, अ तथा ब दोनों ही। संस्कृति को भौतिक तथा अभौतिक रूप में विभाजन किसने किया? तो इनको इसका विभाजन जो है वो अकबर ने किया था। तो ये हमारी आपकी जो थर्ड यूनिट थी वो ख़त्म हुई। आपके सिलेबस के अनुसार मतलब तीनों यूनिट के हमने वीडियो बनाए हैं, आप लोग इनको देखिएगा और सभी टॉपिक के हिसाब से बनाए हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले। तो इसके लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।